फ्यूचर में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, इसके पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जो है, जो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट ARI के एग्जाम में पिछले वर्षों में आ चुके थे, और उसी को हम कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और सारे सारे जितने भी सब्जेक्ट आए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो कंप्यूटर का पार्ट 2 है ये, और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल में आपको जो ऑप्शन है वो कौन सा उपयोग करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल आप जानते होंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपनी डेट, लैंग्वेज, सारी चीजें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नई चीज जो है वो ऐड करना हो आपको तो यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा उपयोग किया जाएगा, तो ऐड का ऑप्शन आपको आता ही है, जैसे लैंग्वेज हो और भी कोई चीज हो तो ऐड से ही स्टार्ट होती है। तो ऐड प्रिंटर वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ना कि इंस्टॉल वाला, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एमएस एक्सेल जो है उसमें 2010 वाला फॉर्मेट, उसमें एमएस एक्सेल 2010 में आप रो और कॉलम को डिलीट करना है तो कौन से टैब का उपयोग करेंगे। तो रो वाले कॉलम को उपयोग कर आपको रो को और कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, एक रो और कॉलम को, तो आपको होम टैब में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में इंसर्ट भी दिया, लेआउट भी दिया, डिजाइन भी दिया, हम आपको ये दिखा भी देते हैं। जैसे पुरानी वीडियो में भी हम आपको कुछ चीजें दिखा चुके हैं करके, यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको एक रो और कॉलम हम यहाँ पर लेते हैं और कुछ यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर जो होम वाला पेज है उसमें आपको डिलीट का ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर हम गए होम पे, और यहाँ पर आपके लिए हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये होम पे है, और इस होम रिबन में हम देखेंगे कि इंसर्ट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये चयन कर लिया इसका, और यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो ये यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। इसके और बड़ी बड़ी एक्सेल शीट को भी हम आपको दिखा दें यहाँ पर कुछ करके। यहाँ पर ये देखिए हम आपको यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हमने चयन किया, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यही बता देता हूँ कि यदि हम जैसे कोई एक्सेल शीट बना रहे हैं और इसके बीच में कोई चीज ऐड करना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो ये इंसर्ट ऑप्शन होम पे होम रिबन में ही आता है, यहाँ जाकर के हम पूरा का पूरा एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आ गई है पूरी पूरी रो, ठीक है। तो इसके अलावा हम और आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प जो चाइनीज सेलों में टॉप और बॉटम की संख्याओं को या फिर प्रतिशत को हाईलाइट करने की अनुमति देता है। तो आपको डाटा बार्स, कलर स्केल, बॉटम रूल्स और ऑप्शन में दिया है हाईलाइट सेल रूल। ये कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेल में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आप जो करते हैं दैनिक क्रियाओं से संबंधित और वर्ड में भी, वो सब चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। इस तरीके का लेवल होता है, हमने पहले भी आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इसमें आपको जो ऑप्शन दिया है वो टॉप बॉटम रूल्स करके, इसको देख लेते हैं। टॉप बॉटम रूल्स आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये जो है एक फॉर्मेटिंग होती है। आपको यहाँ पर हम जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये जो ऑप्शन दिखा रहा है आपका होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के ये टॉप बॉटम रूल्स करके ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है कि आप इसमें एक टॉप 50% टॉप 10% टॉप 10 आइटम इनको आप कलरिंग कर सकते हैं आपके ग्रिड में। हम आपको इसमें पूरा का पूरा करके दिखाएंगे, टाइम लग रहा है, हम आपको पूरा बना बना दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पर अभी दिखेगा एक टॉप बॉटम रूल से पूरा हुआ बना के। यहाँ पर देखिए, ये देखिए अलग अलग कलरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। चीजें आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ होती हुई दिखाई दे रही होंगी, ठीक। इसके अलावा हम बताएं इसमें आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सामने यहाँ पर देखिए कि एक्सेल में मिनिमाइज बटन जो होती है वो कहाँ पर स्थित होती है। तो मिनिमाइज बटन हम सभी जानते हैं, एक्सेल हो या कहीं पर भी हो, तो ये ऊपरी दाहिनी कोना यानी राइट साइड कॉर्नर होता है, ये मिनिमाइज बटन होती है। ये इसको मैं दबाऊंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सरल आसान सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में जो 7 वाला फॉर्मेट है उसमें रेफरेंस जो कि मल्टीपल शीट्स पर समान सेल या समान रेंज को रेफरेंस करने देता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो रेफरेंस है मल्टीपल शीट्स पर समान सेल और समान ही सेल रेंज को रेफरेंस करने की अनुमति देता है वो 3D रेफरेंस होता है। एक्सेल के अंदर 3D रेफरेंस आता है वो आपको ये अनुमति देता है, ठीक है। इसका ऑप्शन 1D और 2D रेफरेंस वगैरह नहीं आएगा, 3D रेफरेंस में ही ये चीज संभव हो पाती है, ठीक है। मल्टी डायमेंशन रेफरेंस इसका फुल फॉर्म होता है। एमएस एक्सेल में 2007 वाले में ऑटो फिल्टर का होता है, ऑटो फिल्टर का काम बताना है आपको कि यह असंशोधित शब्दों को फिल्टर कर देता है, कि डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है या आपको संख्या को मानो फिल्टर करने देता है। तो ये जो है डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है, ठीक है। आप जो भी डेटा है आपका एक्सेल में वहां से
आप चीजें यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना फिल्टर निकाल सकते हैं ये फिल्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल साथ में वो बटन उपयोग बताइए जो कि वर्तमान में चाइनीज सेल से संबंधित कमेंट को व्यू या हाइड करने की अनुमति देता है। तो शो या हाइड बटन है, फाइंड बटन है, व्यू या हाइड बटन है, या फिर आपका व्यू बटन है। देखिए दोनों ही ऑप्शन मिले हुए लग रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन दोनों ठीक वैसे ही मिल रहे हैं। तो कंफ्यूजन करने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि शो या हाइड है या व्यू या हाइड है। तो हम आपको बता देते हैं, एक्सेल के अंदर जो शो या हाइड बटन होती है उससे आप जो है कोई भी कमेंट को यहाँ पर हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, दे सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए हमने पहले से लगा के रखे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। व्यू वाला ऑप्शन जो होता है, रिबन, आपको कौन से रिबन में उपयोग करना है, रिव्यू वाले में जाकर के, जैसे मेरे यहाँ से ये सोया हाइट का है, अभी मैं इसको अगर यहाँ से हटाता हूँ तो मुझे इसे यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कोई आपको कुछ अंदर डाटा लिखा हुआ है, इसको आप हाइड या शो करके दिखाएंगे यहाँ वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैंने इसको अभी करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ठीक है, यहीं से होता है, चीजें यहीं से क्लियर होती है, ठीक है। आप शो कर सकते हो, उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मतलब उस सेल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपकी जो कमेंट है ना वो आ जाता है शो या हाइड वाला ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमएस एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन होता है, वो खालिस्तान के समान होता है। तो टास्क पेन जो है वो एक टेक्स्ट वर्चुअल बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, सेप या डायलॉग टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है, टास्क पेन, डायलॉग बॉक्स के रूप में टास्क पेन दिखाई देगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स आप समझते हैं, जैसे ये खुला हुआ है, जैसे ये एकदम से आपको एक नया कुछ खोल के दिखा देता हूँ, ये जो खुला हुआ है डायलॉग बॉक्स आ गया इस तरीके से, ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो एक आपके पास सामने एक एक्शन के रूप में एक विंडो खुलती है, वो आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स खुलने जैसा होता है, उसी को हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जो शॉर्टकट है, जिसमें एक्सेल के अंदर बताना है आपको शॉर्टकट जो कि मिनट में और घंटे में एएम और पीएम के फॉर्मेट में लगाने हेतु प्रयोग की जाती है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम एट द रेट का प्रयोग करते हैं, ये सब शॉर्टकट की है जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए, आपको रटी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एमएस वर्ड 2007 में डिफॉल्ट रूप से फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc होता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है, सरल क्वेश्चन है। और वर्ड में आपको बताना है कि किसी भी शब्द के नीचे लाल रेखा अंकित होती है तो कोई गलत चीज होती है ना, गलत वर्ती निकली, तब उसको उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी सरल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट रिबन का उपयोग करना है तो किस का उपयोग करना पड़ेगा वर्ड के अंदर, फॉन्ट में कौन से शॉर्टकट की का, Ctrl V, Ctrl V, D, Ctrl S, तो यहाँ पर कंट्रोल वी किस फॉर्मेट से उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और कंट्रोल डी के साथ कंट्रोल डी हम दबाते हैं तो ये फॉन्ट ऑप्शन अपने आप खुल जाता है, ठीक है, कंट्रोल डी करके, ठीक। और इसके बाद हम एमएस वर्ड 2010 में किसी भी कैरेक्टर के ऊपर कोई छोटे कैरेक्टर बना सकते हैं तो उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। एक कैरेक्टर के ऊपर छोटा कैरेक्टर बनाना है तो सुपर स्क्रिप्ट, वर्ड के ऊपर वर्ड बनाना, ठीक है। और अगर हम नीचे बनाते हैं कोई वर्ड लिखा है वर्ड में तो उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ लिखना है, सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमएस वर्ड में ब्रेज सेक्शन, जो सेक्शन ब्रेज का उद्देश्य है, तो सेक्शन ब्रेज का उद्देश्य क्या है, सेक्शन ब्रेज का उद्देश्य डॉक्यूमेंट को विभाजित करने के साथ साथ हेडर फुटर और प्रति सेक्शन फॉर्मेटिंग की अनुमति नहीं देता, बल्कि वो देता है अनुमति, ठीक है। आप अलग अलग सेक्शन को यहाँ पर दिखा सकते हैं, चीजें आप किस तरीके से होती हैं वो आप दिखा सकते हैं, सेक्शन ब्रिज का ऑप्शन वहां पे वो देता है, ये आपको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे देगा, ये देखिए आपको सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे देगा, पेज में अगले पेज में आपको किस तरीके का फुटर लगाना है, ठीक है, या उसी को आगे रनिंग रखना है, या इवन ऑड फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट रखना है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू में मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है, सीपीयू और मेमोरी जो होती है वो आपकी मदरबोर्ड जो होती है उसी में होती है, ये भी सरल क्वेश्चन है। और सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत सही है, तो यह जो है इसमें आप इसको बदल नहीं सकते, इसमें निर्देश प्रोग्राम नहीं होते बल्कि होते हैं, बदला नहीं जा सकता बल्कि बदल सकते हैं, छुआ नहीं जा सकता और हेर फेर नहीं की जा सकती, तो हेर फेर भी की जा सकती है, इसे छुआ नहीं जा सकता, यही कथन यहाँ पर सही होगा, उसको छू नहीं सकते आप, केवल आप उसको देख सकते हैं, उसकी कोडिंग को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी कर्सर के वर्ड में कर्सर के दाहिनी तरफ के एक शब्द को हटाना है तो कुंजी किसको, ये कैंसिल हो गया था वैसे, क्योंकि एक शब्द को हटाने के लिए आप जो उपयोग करेंगे वो डिलीट बटन नहीं होगी,
डिलीट बटन से चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन ये होना था कि चयन करने के बाद डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो चीज डिलीट हो जाती है, ठीक है। और बैक स्पेस से एक शब्द ही मिटता है, बैक स्पेस से आपका एक ही शब्द मिटता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैं इसको बता भी देता हूँ, टाइम का शॉर्टेज। यहाँ पर एक स्पेस एक बार बैक स्पेस से एक शब्द ही मिटता है, पर आपको पूरा शब्द अगर मिटाना है ऐसा ये लिखा है, तो अब डिलीट दबाएंगे तो ये वहाँ पर पूरा मिट गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की मिस्टेक थी, लेकिन क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस तरीके से होना था। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी उम्मीद है, इसका पहला पार्ट आप देख लीजिएगा और साथ